हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप जब किसी भी अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से या किसी भी अपने व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट से जब आप बात करते हो तो आप उसका नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर नहीं देख पाते हो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे होगा, इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है। तो आप हमारे आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका जो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर आप मेरा नाम नहीं जानते हो तो मेरा नाम अब्दुल कादिर है। तो चलिए चलते हैं फिर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। जैसा कि दोस्तों अभी आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरा जो व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपका ऐसे व्हाट्सअप नोटिफिकेशन नहीं आ रहे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आ जाना होगा व्हाट्सअप एप्लीकेशन में। जैसे ही दोस्तों जब आप व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको दो तरीका बताने वाला हूँ, आपके लिए हो सकता है कि दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका काम कर जाए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर में दिए गए इस 3 डॉट पर एक दफ़ा क्लिक करने के बाद में सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों आपके मोबाइल में अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन आ रहा है जो कि यहाँ पे बंद बता रहा है या बंद दिखा रहा है, तो सबसे पहले तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। अगर उसके अलावा भी अगर कोई और चीज़ जैसे कि ऑफ है तो सिंपली आप उसे ऑन कर लेंगे। अगर दोस्तों इतना करने के बावजूद भी अगर आपका नोटिफिकेशन जो है वो सही नहीं हो रहा है तो उसके बावजूद क्या करेंगे, ऊपर में दिए गए इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों जब आप इस नोटिफिकेशन को रीसेट कर लेते हैं, सेटिंग्स को इसको रीसेट कर लेते हैं, तो आपका नोटिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये दोस्तों पहला तरीका है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। तो दोस्तों अगर आपका नोटिफिकेशन फिर भी नहीं आ रहा है तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, आपको आना होगा अपने मोबाइल के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपको नीचे में दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पर हमें ऐप्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है और फिर से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है। जैसे ही दोस्तों जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे व्हाट्सअप जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके मोबाइल में काफ़ी सारे एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप जो है वो टाइप कर देना है, इसमें सर्च कर लेना है व्हाट्सअप। हम दोस्तों सबसे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद में हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे हम व्हाट्सअप को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों नोटिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मैनेज नोटिफिकेशन का ये जो ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर एक दफ़ा क्लिक करना होगा। अगर आपके मोबाइल में कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अगर ऐसा ऑप्शन बंद आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप सबको एक दफ़ा क्लिक करके आपको ऑन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों जब आप इतना कर लेंगे अगर तो आपका जो नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि शायद ये ऐसा बंद हो तो आपको अलाउ नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको चेक कर लेना है कि आपका जितना भी ऑप्शन है वो सारा ऑप्शन ऑन है या फिर नहीं। दोस्तों जैसे ही जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो आपका जो व्हाट्सअप नोटिफिकेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।